सो गाइज अभी आपने जो वीडियो देखा है वो मैंने ड्रोन हाइपरलैप्स लिया है विद लॉन्ग एक्सपोजर। नॉर्मली अगर आप हाइपरलैप्स ले रहे हो तो वो नॉर्मल सेटिंग से भी मिल जाता है, जो हमारे पास मास्टर शॉट मिलते हैं या फिर जो भी ऑटोमेटेड शॉट्स मिलते हैं ड्रोन के अंदर उससे हम हाइपरलैप्स ले सकते हैं, बट टेकिंग विद द लॉन्ग एक्सपोजर इज अ चैलेंजिंग टास्क। सो इस वीडियो में आपको मैं ईच एंड एवरी स्टेप्स बताऊंगा और सेटिंग्स बताऊंगा कैसे आप अपने ड्रोन से हाइपरलैप्स ले सकते हो विद लॉन्ग एक्सपोजर। अगर आप नॉर्मली लोगे तो वो कुछ नॉर्मल लगेगा, लाइक एवरीथिंग इज मूविंग फास्ट, दैट्स इट। अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर के साथ लोगे तब भी ये जाके कुछ यूनिक लगेगा और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेगा आपको ड्रोन के साथ। तो इस वीडियो में टिल द एंड चेकआउट कीजिए, ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो कीजिए, आपको जरूर ऐसा आउटपुट मिलेगा अपने ड्रोन से। सो विद द बेसिक मच ऑफ लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। To capture this hyperlapse, I am going to use all new DJI Mini 4 Pro. Basically guys, आप कोई भी ड्रोन यूज़ कर सकते हो ये hyperlapse capture करने के लिए, but in this video, I am going to try it on DJI Mini 4 Pro. So guys, let me quickly walk you through the exact steps that you need to follow. So आपको पहले modes में जाना है. Once you go to the modes, you will see photo, video, master shot, quick shots और यहाँ पे hyperlapse pano. So you have to click on hyperlapse. Once you click on hyperlapse, you will see various options. तो आपको मिलेगा free, circle, course lock और waypoint. मैंने यहाँ पे select किया है course lock. As soon as you select course lock, आपको तीन options देखने मिलेंगे, interval, length and speed. Interval का मतलब यह है कि the number of photos it has to take per second. Length का मतलब यह है कि the output total जो hyperlapse निकल के आना चाहिए वो कितने second का होना चाहिए. स्पीड का मतलब यह है कि द ड्रोन मूवमेंट स्पीड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द स्पीड। अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हो तो स्पीड आपको लो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो आप कहीं 1 meter per second के आसपास आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको इंटरवल जो है इंटरवल 2 second का इंटरवल ही फॉलो करना पड़ेगा गाइस। अगर आप कुछ ज़्यादा रख रहे हो तो बहुत कम फ्रेम्स मिलेंगे, तो देन यू हैव टू गो टू द लेंथ। तो लेंथ जो है जैसे मैंने बताया कि आप जो भी सेकंड सेलेक्ट करते हो उसका फाइनल आउटपुट निकल के आएगा। अगर आप ज़्यादा सेकंड सेलेक्ट कर रहे हो तो फ्रेम्स भी ज़्यादा रहेंगे, अगर आप कम सेकंड सेलेक्ट कर रहे हो तो फ्रेम्स कम रहेंगे, दैट मीन्स योर हाइपरलैप्स इज गोइंग टू एंड सून। तो यहाँ पे मैंने 6 सेलेक्ट किया है, तो अभी मैं चेंज करके इसको 13 कर दूंगा। सो गाइस जस्ट मेक श्योर वट एवर लेंथ यू आर सेलेक्टिंग इट शुड बी बेस्ड ऑन द बैटरी कैपेसिटी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 82% ऑफ बैटरी है, दैट मीन्स आई कैन गो अप टू 13 seconds। अगर आपका बैटरी 50% है तो देन डोंट सेलेक्ट 13 एंड ऑल, 6 seconds इज द गुड चॉइस। वंस यू क्लिक ऑन लॉक, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरेशन और फ्रेम्स लिख के आ जाएंगे। जो भी आप ओवरऑल सेटिंग्स रखा है इंटरवल लेंथ और स्पीड, उसके बेसिस पे आपको ड्यूरेशन और फ्रेम्स देखने मिलेंगे। यहाँ पे ड्यूरेशन लिख के आ रहा है 10:50 मीन्स 10 minutes 50 seconds का आपको हमको टोटल फ्लाइट टाइम लगेगा ये पूरा हाइपरलैप्स कवर करने के लिए। और टोटल फ्रेम्स जो है वो 325 फ्रेम्स ड्रोन कैप्चर करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो है हाइपरलैप्स स्टार्ट हो गया है। नाउ लेट मी जस्ट क्विकली फास्ट फॉरवर्ड दिस हाइपरलैप्स सो दैट यू गाइज कैन गेट टू नो वॉट काइंड ऑफ आउटपुट वी विल सी आफ्टर दिस हाइपरलैप्स। एंड ऑल्सो इन्श्योर गाइज When you start the hyperlapse, do not touch the joystick. अगर आप joystick touch करोगे तो ये जो course lock है वो disturb हो जाएगा और smooth frames नहीं मिलेंगे आपको। So now guys, I have stopped the hyperlapse. Now here you can see the output. Output कुछ ऐसे दिखने मिलता है। So guys, क्या आपको ये output देखने का मजा आया और interesting hyperlapse लगा? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा। So now we are going to try a long exposure hyperlapse on our drone. तो गाइज आपको पिछले सेगमेंट में मैंने बता दिया कि कैसे हम हाइपरलैप्स ले सकते हैं ड्रोन से। नाउ इन दिस सेगमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी कैन कैप्चर द लॉन्ग एक्सपोजर विद द हाइपरलैप्स। सो आपको प्रो मोड में जाना है, फिर वंस यू गो इन द प्रो मोड शटर स्पीड को आपको मैनुअल कर लेना है, फिर आपको यू हैव टू सेलेक्ट 1/3, ISO को भी आपको मैनुअल मोड में स्विच कर लेना है एंड यू हैव टू सेलेक्ट 100। हम जो M.M है वो मैनुअली सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो लीव इट वॉट एवर इट इज़। सो यहाँ पे मैंने हाइपरलैप्स जो है मैं रीसेलेक्ट कर लूँगा सर्कल। जैसे आप सर्कल मोड सेलेक्ट करोगे तो आपको 4 options और मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंटरवल, लेंथ, स्पीड एंड रोटेशन। इंटरवल का मतलब मैंने आप ऑलरेडी बताया था कि नंबर ऑफ फ्रेम्स, और लेंथ का मतलब है टोटल जो एंड आउटपुट जो मिलना है वो उसका ड्यूरेशन, स्पीड का मतलब है ड्रोन का स्पीड, रोटेशन अभी जैसे हमने सर्कल लिया सेलेक्ट किया है तो हमको रोटेशन का क्लॉकवाइज चाहिए एंटी क्लॉकवाइज चाहिए वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीड। सो इनिशियली हमको स्पीड सेलेक्ट करना है वेरी लेस, दैट मीन्स 1 meter। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लॉन्ग एक्सपोजर के लिए आपको ऑलवेज यू हैव टू सेलेक्ट लो स्पीड, तो 1 meter में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अप्रॉक्सीमेटली आप कहीं 1 meter के आसपास सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है हम सेलेक्ट करेंगे लेंथ। सो लेंथ गाइज आप 5 seconds रख सकते हो, 7 seconds रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इनिशियली आपको बताया कि बैटरी के बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा बैटरी जो है 32% के आसपास बचा है, तो आई विल नॉट प्ले विद द लेंथ। लेंथ जो है मैं 5 seconds ही रखूँगा। इनफैक्ट 7 seconds के लिए जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि करंटली बैटरी लेवल मे बी इनसफिशियंट फॉर करंटली शूटिंग द टास्क, तो मैं 5 seconds रखूँगा।
और इंटरवल जो है वो 2 सेकेंड और क्लॉक वाइज ही रोटेट करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा। और जैसे ये सब होने के बाद गाइज आपको जो है आपको एक ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं ब्रिज जो है वो मिडिल पार्ट जो है मैं ट्रैक के लिए एक्टिवेट कर देता हूँ। आपको सिंपली अपने स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करके आपको एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है या फिर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। और जैसे आप स्टार्ट करोगे अगर आपका बैटरी लो है तो इनसफिशियंट लिख के आएगा आई एम टेकिंग माई रिस्क। आप ये रिस्क मत लीजिए, आप अपना जो बैटरी है वो चार्ज करके फिर ये शॉट ट्राई करना। सो यहाँ पे हमारा हाइपरलैप्स स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है 4 मिनट्स 2 सेकेंड्स के आसपास हमको लगने वाला है ये आउटपुट कंप्लीट होने के लिए। और टोटल फ्रेम्स जो है वो 125 फ्रेम्स कैप्चर करने वाले हैं। और मैं अभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो गाइस बैटरी इज वेरी क्रिटिकल नाउ बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग द आउटपुट सो दैट होम पॉइंट के आसपास ही है तो मैं रिटर्न मैनुअली ले सकता हूँ ड्रोन को। सो हियर वी आर डन विद द हाइपरलैप्स। सो क्रिएटिंग अ वीडियो इट विल टेक अराउंड 2-3 मिनट्स टू क्रिएट अ वीडियो। वंस क्रिएटिंग इज डन यू कैन गो टू द एल्बम, हियर यू कैन व्यू द आउटपुट। तो यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। सी गाइस हाउ अमेजिंग द आउटपुट लुक्स। टू गेट दिस आउटपुट आपको कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है गाइज, डायरेक्टली ये जो है हाइपरलैप्स बन के रेडी होकर आपके एल्बम्स में अवेलेबल रहेगा। आपको सिंपली कलर ग्रेड करना है अगर आपको इसको मोर आई कैचिंग बनाना है तो। सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस हाउ यू कैन गेट दिस हाइपरलैप्स विद योर ड्रोन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कुछ भी ड्रोन रिलेटेड कंफ्यूजन है और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फील फ्री टू कमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है लाइक व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट टॉपिक फील फ्री टू कमेंट बिलो दैट एज वेल। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो या फिर अगर आपको सेटिंग्स यूजफुल लगे तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।